News 18, India. पंकज, इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं उन लोगों से बात करने की जो यहाँ पे आ जा रहे हैं, जिन्हें परेशानी हो रही है। हमने कोशिश की थी कंटेनर के ऊपर से हम आपको चढ़ के दिखाएं कि पूरा व्यू क्या है हम, लेकिन इस वक्त जाने की कोशिश कर रहे हैं उस तरफ। देखिए, ये पतला सा रास्ता यहाँ पर छोड़ा गया है, बाकी यहाँ पर ये बड़े बड़े जो आप सीमेंट के बैरिकेड देख रहे हैं ये इतने नहीं थे, लेकिन ये पतला सा रास्ता छोड़ा गया है। गाड़ियों को उस तरफ ही रोक दिया जा रहा है और साइकिल वाले जो यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे थे, सुबह तक तो साइकिल वालों को जाने दिया जा रहा था, लेकिन अब मना कर दिया गया है। अब यहाँ से सिर्फ पैदल ही होकर यहाँ से गुजरना पड़ेगा। और इधर देखिए कि जो लोग हैं, जो फैक्ट्री जाने वाले मजदूर हैं, अब उनसे भी पूछताछ की जा रही है, उनसे भी पूछा जा रहा है आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। और जो यहाँ पर रिहायशी इलाके में लोग रहते हैं, अपनी किसी के पास बाइक है, किसी के पास कार है, वो लोग भी ऐसे हैं जो कि अपनी अपनी गाड़ियों को उधर ही छोड़ के पैदल चलकर यहाँ पर आने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आरएफ की टीम जो है वो उसकी फोर्स और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। लेकिन सीसीटीवी कैमरे जो यहाँ पर लगाए गए थे, यहाँ पर पुलिस से जब हमने बात की तो बताया गया है कि सीसीटीवी कैमरे बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि आशंका इस बात की है कि अगर किसी भी तरीके से हरियाणा के अंदर से कुछ किसान ऐसे होंगे और किसानों के साथ साथ उपद्रवी तत्व जिनकी आप बात कर रहे थे वो अगर यहाँ पर आए तो उनको स्पॉट किया जा सके, पहचाना जा सके कि आखिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है। पंकज, नीरज, जरा आप बताएं आपके पास इस वक्त क्या ताजा तस्वीरें। नीरज, मेरी अगर आपको आवाज मिल रही हो, आप सिंगू बॉर्डर पर मौजूद हैं, क्या दिखा पाएंगे आप? देखिए बिल्कुल पंकज, बीच में आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन अभी आपको दिखाते हैं। आप बार बार इस बात का भी जिक्र कर रहे थे कि आखिर लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, ये बॉर्डर का एरिया, ये मुख्य बैरिकेड है हरियाणा और दिल्ली के बीच में। हजारों की संख्या में दोनों राज्यों से हर दिन एक दूसरे राज्य में लोग काम करने जाते हैं। यहाँ देखिए सैकड़ों की संख्या में लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं, दूसरे राज्य से यानी हरियाणा से दिल्ली में जा रहे हैं। और यहाँ देखिए ऑटो में ये लोग सोनीपत की तरफ जा रहे हैं, हरियाणा की तरफ जा रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। भैया, आप यहीं से डेली जाते हो या आगे लगाते हो? नहीं, लगाते वहाँ है और जाने अभी यहाँ से लग रही है। क्या आप, दिक्कत हो रही है? हाँ, दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है जी। दिक्कत होते होते जी जी, दिल्ली जाते हैं ड्यूटी पे, वहाँ के अधिकारी आते हैं, आते क्यों नहीं हूँ, कैसे जाए, रास्ता होगा जब भी तो जाए। यहाँ से कहाँ जाते हो? सोनीपत? यहाँ से हम दिल्ली जाते हैं मायापुरी हरिनगर जी। अब कहाँ से जाइए बताओ, कहाँ से जाइए बताओ। देखिए लगातार सैकड़ों की संख्या में ऑटो जो यहाँ आकर, ऑटो में कितने लोग, एक ऑटो में कितने लोग, अपनी जो संख्या है उससे ज्यादा लोग सवार होकर अपने अपने गंतव्य स्थान की तरफ बढ़ रहे हैं। हर तरफ कितनी दिक्कत हो रही है, सारी चीज की है। हम परेशान पब्लिक, वहां तक क्यों करावा आन जान वाला, रोज का दिल्ली का अपडाउन है कुंडली का, बहुत लोगों को लंबा चल के यहाँ आना पड़ रहा है। और इस तरफ देखिए हजारों सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं और कई ऑटो इसी तरह से लगे हुए हैं लोगों को लेकर हरियाणा की तरफ। लोगों को खासी दिक्कत पेश आ रही है, जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। और ऐसे में सुरक्षा के तो चाक चौबंद इंतजाम है, लेकिन किसानों अड़े हुए हैं किसान कि वो दिल्ली कूच करेंगे। शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हमने आपको दिखाने की कोशिश की, किसान अब लगभग तैयार हैं, लेकिन उन्हें रोकने की भी पूरी कोशिश की जाएगी। दूसरा, अगर हम सरकार के पक्ष की बात करें, अनुराग ठाकुर की अभी हमने बात आपको सुनवाई, उन्होंने कहा कि ज्यादातर मांगे जो हैं किसानों की वो मान ली गई हैं और बाकी बातचीत ही एक हल है, यानी किसी भी समस्या का समाधान जो है, सॉल्यूशन जो है वो बातचीत से होकर निकलता है। एमएसपी को लेकर किसान अड़े हुए हैं और वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि हमारी जो बैठक है, 5 घंटे लंबी मैराथन बैठक भी चली थी चंडीगढ़ में, जिसमें दो दो तीन तीन केंद्रीय मंत्री शामिल थे, लेकिन वो बैठक बेनतीजा रही। किसान एमएसपी की मांग पर लगातार अड़े हुए हैं, हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम बातचीत का जो फोरम है वो ओपन है, हम बातचीत के लिए तैयार हैं और ज्यादातर मांगे हमने उनकी मान भी ली हैं। हमारे सहयोगी जगह जगह इस वक्त मौजूद है, जावेद एक बार हमारे साथ जुड़ गए। जावेद, आप कहाँ इस वक्त हैं, क्या तस्वीरें दिखा पाएंगे? देखिए, गाजीपुर बॉर्डर पर हमारी मौजूदगी है और हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर से। मैं आपको सुरक्षा के इंतजाम दिखाना चाहता हूँ। गाजीपुर बॉर्डर कम से कम इस बात का अभी रिलीफ है कि यहाँ ट्रैफिक चल रहा है, रफ्तार जरूर कम है और कतारें भी आपको दिखाई देंगी। आप जरा एक बार थोड़ा टॉप एंगल से विशाल आपको तस्वीर दिखाएंगे। ये गाजियाबाद से आने वाला ट्रैफिक है और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ व्यवस्था कायम करने में लगी हुई है, क्योंकि सुबह का वक्त है, कामकाजी लोग आते हैं, तो ऐसे में जब
ऑफिस जाते वक्त अगर कोई फंसता है तो उसको बुरा लगता है, तो ऐसे में कोशिश यही है कि लोग निकलते रहें। लेकिन जो ये आप बैरिकेड्स देख रहे हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये करीब 2 लेन तक बैरिकेड्स इसी तरफ लगाए हुए हैं और ये 1 लेन चलने के लिए निकाली जा रही है। तो ऐसे में अगर पूरी क्षमता के साथ ट्रैफिक आता है तो रफ्तार ज़रूर कम होती है। सड़क के दूसरी तरफ देखेंगे तो वहाँ पर बड़े बड़े डंपर आपको खड़े हुए मिलेंगे, वहाँ पर भी बैरिकेड्स लगे हैं, क्रेन वहाँ पर खड़ी हुई है, तो ये व्यवस्था एहतियातन की गई है। देखिए, अगर किसान प्रदर्शन इस वाले किसान प्रोटेस्ट की बात करें तो हरियाणा पंजाब से जो आ रहे हैं इस बार उसमें भी फ्रैक्शन नज़र आ रहा है। पश्चिमी यूपी से आने वाले किसान आमतौर पर गाजीपुर बॉर्डर पर बैठते थे, तो राकेश टिकैत इस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं है। इस बार जो SKM है, गैर राजनीतिक, वो इसको लीड कर रहा है, और जो मुख्य SKM थी जिसने पिछली बार प्रोटेस्ट को लीड किया था उसमें कुछ किसान नेता इसमें शामिल नहीं है। तो ये मोर्चा हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर किसान पहुँचना अभी नहीं पहुँचेंगे, उनकी कोई योजना नहीं है, लेकिन सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर वहाँ पहुँच सकते हैं अगर शंभू बॉर्डर से वो क्रॉस करते हैं। लेकिन कोई भरोसा नहीं है कब किसान सब एकजुट हो जाए। राकेश टिकैत का कल जिस तरह से बयान आया, अगर वो कॉल करते हैं तो फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो इस मोर्चे पर पहुंचेंगे। इससे पहले कई बार राकेश टिकैत के नेतृत्व में इस मोर्चे की घेराबंदी की गई थी, तो फिलहाल ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है, लिहाजा यहाँ पर इसी तरीके से व्यवस्था की गई है, क्योंकि अगर अचानक से किसान पहुंचते हैं तो इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं की जा सकती थी। तो फिलहाल ये व्यवस्था यहाँ पर आप देख सकते हैं, एम्बुलेंस भी यहाँ से निकलवाने की कोशिश की जा रही है। तो प्रायोरिटी पे रहता है कि एम्बुलेंस अगर कोई बीमार वहां से गुजर रहा है तो उसे जल्द से जल्द वहां से निकाला जाए, और उसमें पुलिस और प्रशासन लगातार जुटा रहता है। किसानों की नई नई मांगे हैं, किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि जो 2020-21 में प्रदर्शन हुआ था, आंदोलन हुआ था, उसमें जो जो मुकदमे किसानों पर दर्ज हुए थे उन्हें एक तरह से रद्द कर दिया जाए, और जिन किसानों की उसमें मौत हुई थी उनको मुआवजा मिले, वो एक सदस्य को परिवार के नौकरी भी मिले, और MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर वो लगातार इस मांग को लेकर अड़े हुए हैं। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, अलग अलग बॉर्डर्स पर मौजूद हैं। एक बार फिर से मैं चमन हमारे सहयोगी का रुख करना चाहूँगा जो कि शंभू बॉर्डर पर मौजूद है। चमन, आपके पास क्या इस वक्त जानकारी? जी पंकज, देखिए अभी कुछ ही देर में जो है वो सरवण सिंह पंधेर की ओर से जो है एक प्रेस वार्ता यहाँ पर जो की जाएगी, और उसमें वो आज की जो रणनीति या पूरे दिन क्या रणनीति रहेगी उनकी, और जो बॉर्डर जो है वो किस तरह से जो है उसको क्रॉस करना है उसको लेकर जो है वो लगातार जो है उनकी तरफ से जो है जो जो है उनकी जो नेता है किसान नेता उनकी तरफ से बयान जो है सामने आएगा, और आज की पूरे दिन की क्या रूपरेखा रहेगी इस आंदोलन की, और कैसे आगे जो है दिल्ली की तरफ कूच करना है, वो अभी कुछ ही देर में जो है सरवण सिंह जो पंधेर जो SKM के जो जो इसके नेता हैं और जो किसान नेताओं के जो इस संगठन में जो है लगभग जो है 200 संगठन जो है इस आंदोलन में उनको समर्थन दिए हुए हैं, और उनके द्वारा ही जो है आज पूरे जो दिल्ली की तरफ जो है दूसरे दिन है और कूच करने की योजना जो है वो बनाई जाएगी, और दूसरी ओर जो किसान हैं वो लगातार जो है यहाँ पर जो है जुड़ रहे हैं। और अगर हम बात करें कल की और आज के किसानों के इस आंदोलन के बारे में, तो कल जो किसान थे वो धीरे धीरे जो थे बिल्कुल जसप्रीत आपके पास आना चाहूंगा, सिंघू बॉर्डर पर आप मौजूद है, ऐसा कौन सा लास्ट पॉइंट बनाया गया यानी उससे आगे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जाने देगी किसानों को, वो पॉइंट कौन सा? बिल्कुल देखिए पंकज, जो हम हैं हम लोग बीच में मौजूद हैं, ये लास्ट पॉइंट है। इधर से अगर विकास आप थोड़ा आगे आकर के दिखाएं, उधर जूम करें तो वहां पर वो गाड़ियां हैं, वहीं पर ऑटो जा रहे हैं, वो पॉइंट है, एंट्री पॉइंट ही आप समझिए कि लास्ट पॉइंट है। उसके अलावा पुख्ता कितनी की गई है, एक पॉइंट तो वो हो गया है। अब इधर देखिए, ये क्योंकि चेतावनी लिखी गई है, ये इंग्लिश में भी लिखा गया है और पंजाबी में भी लिखा गया है, वो हम आपको दिखाते हैं कि ये चेतावनी लिखी गई है कि तुहानू सारियां नू सूचित किया जाता है, 144 धारा लागू है। तो ये पंजाबी में भी लिखा गया है कि जिसको दिक्कत हो वो यहाँ पर आए, और ये डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस का ये आदेश है, जो ये बड़े बड़े नोटिसेस हैं वो यहाँ पर इस तरीके से चस्पा किए गए हैं, तो वहां से किसान नहीं बढ़ पाएंगे। अब पंकज आप ये समझिए कि अगर वो उस बैरिकेटिंग को, उन पिलर्स को हटा भी देते हैं, इतनी मजबूती से अगर आगे बढ़ते हैं, उन ब्लॉक्स को हटा देते हैं, तो फिर वो इधर आएंगे। अब इधर आएंगे तो सामना होगा RAF से, ड्रोन पहले ही पैनी नजर रख रहा है, ड्रोन हर तरफ उड़ता हुआ हमें नजर आ रहा है, 360 डिग्री सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऑफिसर्स पहुंच रही है। अब यहां पर RAF से सामना होगा, अगर दंगे जैसी स्थिति बनती है, कुछ ऐसा होता है, तो ये RAF के जवान मौजूद हैं। आगे अगर आप जाएंगे, उसके बाद अगर यहां तक भी पहुंच जाते हैं जैसे तैसे किसान, और उनकी आड़ में उपद्रव
उपद्रवी उपद्रव करते हैं, माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, कानून को हाथ में लेते हैं, तो फिर यहाँ पर ये पैरामिलिट्री फोर्सेस से सामना होगा। ये आप देखिए कितने बड़े बड़े ब्लॉक्स किए गए हैं। अब उधर उस तरफ आप देखेंगे, हम इस पार हैं, उधर देखेंगे बड़ी बड़ी जेसीबी मशीन यहाँ पर लगाई गई है। यानी कि जो किसान इस वक्त सोच रहे हैं, जो उपद्रवी सोच रहे हैं, वो सारे अपने साथ जो सामान लेकर के आ रहे हैं, हथियार लेकर के आ रहे हैं, उसका हर तोड़ है पुलिस के पास, उसका हर तोड़ है शासन प्रशासन के पास, और ये सुरक्षा यहाँ पर ऐसे